हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजय वर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड एजुकेशन ट्रेनर। वेलकम यू एट आवर चैनल लॉर्ड्स क्रिएशन। टुडे आई एम कमिंग विद ए वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ आइडिया विच यू माइट हैव हियर्ड, यू माइट हैव सीन। एक ऐसा विचार जो आपने कभी सुना नहीं होगा, कभी आपने देखा नहीं होगा। बहुत से मेरे दोस्त हैं जो कि इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो उन्हीं में से मेरे पिछले वीडियो में किसी ने कमेंट किया कि हम अपने इंटरव्यू स्किल्स डेवलप कर लेंगे, इंप्रूव कर लेंगे, पर इंप्लॉयर जो इंटरव्यू लेने वाला वो चाहता क्या है, इस बारे में कुछ बताइए हमें। मुझे वो पॉइंट टच कर गया और मेरे दिमाग में आया कि मैं भी एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें हम उन इंटरव्यू स्किल्स की बात करें जो कि एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो होता है, इंप्लॉयर जिसको एक इंप्लॉई चाहिए, एक प्रोफेशनल चाहिए, कि एक्चुअल में उसको किस तरह का कैंडिडेट चाहिए। आज का जो मेरा वीडियो है, ये एक स्पेशल टेक्निक जो मैंने इजाद की है, जो मैंने एक नया फार्मूला जो मैंने अभी रिसेंटली इन्वेंट किया है, दैट इज स्कोप, SCOPE, स्कोप फार्मूला। मीन्स इंटरव्यू क्या चाहता है वो सब कुछ है इसमें। एक इंप्लॉई में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक इंप्लॉयर को इंटरव्यू के टाइम में क्या क्या चीजें चेक करनी है, क्योंकि वो भी अपना एक माइंडसेट लेके आता है कि मुझे किस तरह के इंप्लॉई चाहिए, किस तरह के प्रोफेशनल चाहिए, तो उसके लिए वो भी अपना एक स्ट्रेटेजी तैयार करके आता है। तो उस स्ट्रेटेजी के तहत मेरे 10 सालों के एक्सपीरियंस से मैंने ये पाया कि जो स्कोप स्ट्रेटेजी है, यही एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है एक एम्प्लॉयर का, एक इंटरव्यू ऑफिसर का, कि मुझे स्कोप क्वालिटीज, अगर ये क्वालिटीज अगर सभी में है तो आई कैन सिलेक्ट एनीबॉडी फॉर द पोस्ट इन विच दे आर अप्लाइड फॉर। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे हम इस नई टेक्निक के बारे में, स्कोप टेक्निक के बारे में, SCOPE। वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। एस मीन्स सब्जेक्ट नॉलेज। सबसे पहले इंप्लॉयर आपसे क्या चाहता है कि आपकी सब्जेक्ट नॉलेज साउंड हो, अच्छी हो। सब्जेक्ट नॉलेज का मीनिंग क्या होता है, यू मस्ट हैव फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सब्जेक्ट। आपसे कंप्यूटर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते हैं, अकाउंटिंग में आना चाहते हैं, टीचिंग में आना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट अगर वो यही है कि जो एम्प्लॉयर है उसे चाहिए एक कैंडिडेट विद साउंड नॉलेज ऑफ हिज और हर सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट की कंप्लीट नॉलेज हो। मींस ही मस्ट हैव द कंप्लीट आइडिया ऑफ ऑल द कंसेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट फॉर विच ही और शी इज अप्लाइंग। जिस सब्जेक्ट के लिए उन्हें अप्लाई किया है, जिस पर्टिकुलर फील्ड के लिए अप्लाई किया है, उस फील्ड के सब्जेक्ट का नॉलेज उसको थोरोली होना चाहिए। सबसे पहला ये पॉइंट होता है स्कोप का, दैट इज सब्जेक्ट। सेकेंड जो होता है हमारा सी मीन कम्युनिकेशन स्किल्स। यू नो मेनी पीपल आर देयर है हु आर हैविंग लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। बहुत से लोग होते हैं जिनको नॉलेज बहुत ज्यादा होती है, उनसे आप कहें कुछ लिख के दिखाओ तो दे कैन एक्सप्रेस अ लॉट, बट दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट दैट नॉलेज। एक्चुअली आज की जो जॉब इंडस्ट्रीज हैं उनमें क्या है, नॉलेज वाले आदमी नहीं चाहिए उनको, उनको ऐसे आदमी चाहिए हु आर गोइंग टू कम्युनिकेट देयर आइडियाज, जो अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस कर सके। यूनिवर्सिटी टॉपर्स होते हैं, बहुत सारे 98-99% मार्क्स लेते हैं, पर उनसे इंटरव्यूज में पूछा जाता है टेल मी समथिंग अबाउट दिस थिंग दैट थिंग, बट दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इट मीन्स व्हाट्स द यूज ऑफ गेटिंग द फर्स्ट पोजीशन, व्हाट द यूज ऑफ गेटिंग 95-98+ मार्क्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत बड़ा रोल होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी एक एम्प्लॉयर चेक करता है कैंडिडेट के अंदर। तीसरा जो हमारा है ओ, इट्स योर आउटलुक, फिजिकल आउटलुक। जब आप इंटरव्यू रूम में आप एंटर करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका आपका चलने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपके बॉडी गेस्चर्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। आप जैसे एंटर करते हैं एम्प्लॉयर की ये साइकोलॉजिकल टेंडेंसी रहती है कि वो आप पे चेक करे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। इसलिए बॉडी लैंग्वेज में आपका आई कॉन्टैक्ट टू द इंटरव्यू ऑफिसर्स,
इंटरिंग टीम, उसके अंदर आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए आपका, बॉडी गेस्चर्स हैं आपके, हर चीज मींस क्या है कि आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। ये भी एक एम्प्लॉयर सर्च आउट करता है अपने एम्प्लॉयज में। तो तीसरा जो हमारा पॉइंट था दैट वाज योर फिजिकल आउटलुक। फोर्थ है हमारा SCOP दैट इज पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट का मीनिंग क्या हुआ कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। यू नो सो मेनी इंटरव्यू ऑफिसर्स आर आस्किंग सम नेगेटिव क्वेश्चंस फ्रॉम द कैंडिडेट और दे आर गिविंग सम सिचुएशन टू द कैंडिडेट्स इन ए नेगेटिव वे कि अगर आप इस सिचुएशन में होंगे, इस कंपनी में, इंस्टीट्यूशन में, अगर ऐसा हो जाता है, नेगेटिव कुछ चीजें हो जाती है तो आप उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो क्या होता है, व्हाई सच सिचुएशंस आर गिवन, व्हाई दिस काइंड ऑफ सिचुएशन रेटिंग्स टेस्ट आर गिवन टू द कैंडिडेट्स, ये क्यों दिए जाती है, क्योंकि वो चेक करना चाहते हैं कि आपका माइंडसेट कैसा है, कि आप किस वे में सोचते हैं, आप पॉजिटिव सोचते हैं नेगेटिव सोचते हैं। तो आपके अंदर वो पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए आपके अंदर, कुछ चीजें एक्सेप्ट करने की पावर होनी चाहिए आपके अंदर, कुछ चीजों को आप कन्विंस करने की पावर होनी चाहिए, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो मींस पॉजिटिव आउटलुक आपका, पॉजिटिव माइंडसेट क्या है, ये भी एक क्वालिटी है जो कि ऑब्जर्व होती है जब हम कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं। ई लास्ट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, योर एक्सपीरियंस। यू नो एज सून एज योर रिज्यूमे इज देयर इन फ्रंट ऑफ द एम्प्लॉयर, वो आपका जब एक्सपीरियंस देखता है, अगर आता है कि आप एवरी सिक्स मंथ, एक मंथ, वन ईयर में अपनी कंपनी, इंस्टीट्यूशन चेंज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक क्वेश्चन मार्क लगता है आपकी वर्किंग, आपकी वर्किंग एक्सपीरियंस में। क्या कारण है कि आप हर छह महीने, आठ महीने, एक साल में अपनी इंस्टीट्यूशन चेंज कर रहे हैं, कंपनी चेंज कर रही है। तो एक्सपीरियंस में स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच द एम्प्लॉयर इज सीकिंग, एम्प्लॉयर इज सर्चिंग, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एक एम्प्लॉयर को चाहिए कि वो ऐसे एम्प्लॉयज ढूंढे, ऐसे कैंडिडेट चाहिए उनको जो एक या दो साल काम करने वाले नहीं हो, जो कि लंबे टाइम तक काम करने वाले, अप टू द रिटायरमेंट वो काम करने वाले हो। इसलिए आपका एक्सपीरियंस देख लीजिए आप, आपको ये सोचना पड़ेगा अगर आपका एक्सपीरियंस हर छह महीने, आठ महीने बाद अगर चेंज हो रहा है, आपकी वर्किंग प्लेस चेंज हो रहे हैं, तो इट्स ए नेगेटिव पॉइंट। तो एक्सपीरियंस भी आपका एम्प्लॉयर चेक करता है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो मींस विद द लास्ट पॉइंट, आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग यू ऑल द पॉइंट्स, SCOP, एस मींस सब्जेक्ट नॉलेज, सी मींस कम्युनिकेशन स्किल्स, ओ मीन योर फिजिकल आउटलुक, पी मींस योर पॉजिटिव माइंडसेट, एंड ई मींस योर वर्किंग एक्सपीरियंस। सो ये पांच पॉइंट्स हैं, ये एक एम्प्लॉयर चाहता है। देखिए बहुत सी वीडियो देखे होंगे आपने, मैंने खुद ने बनाए ऐसे वीडियो जिनमें हम इंटरव्यू स्किल्स की बात करते हैं। तो आज का जो ये रिवोल्यूशनरी आइडिया था, स्कोप आइडिया था जो, वो उसके पीछे टारगेट यही था कि हम भी जैसे कि एक एम्प्लॉयर माइंडसेट चेक करता है अपने एम्प्लॉई का जिसको अपॉइंट करने जा रहा है, उसी तरह से हमें भी माइंडसेट का पता होना चाहिए कि एक एम्प्लॉयर क्या चाहता है। एम्प्लॉयर के चाहने की बातें, पांच बातें ये हैं, ये आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि मुझे एम्प्लॉयर को इन चीजों में सेटिस्फाई करना है, तो यू विल थ्रू योर इंटरव्यू। ये गारंटी है, 100% गारंटी है कि इन पांच चीजों को अगर आप सेटिस्फाई कर पाएंगे एम्प्लॉयर को, तो आपकी जॉब पक्की है, कोई भी आपको मींस नो नहीं कह सकता। आपकी चॉइसेस के ऊपर, आपके अपने मींस प्रोफाइल के ऊपर कंपनी आपको, कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको काम करने के लिए तैयार रहेगा। तो इस आइडिया के साथ मुझे लग रहा है कि आप सभी लोग इसको अच्छे से समझ गए हैं और इन चीजों पर काम करना शुरू करेंगे। और मेरी इच्छा यही है कि मेरे जितने भी दोस्त हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, दे आर गोइंग टू गेट सम गुड प्लेसमेंट्स, अच्छी प्लेसमेंट, अच्छी जॉब्स मिले उनको। उसके लिए मैं ये ऐसी तरह की वीडियोस, आने वाली वीडियोस में कुछ और भी डिस्कस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उनको आंसर देना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा जो स्कोप टेक्निक अच्छी लगी हो आपको, तो इसको आप कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने राय जरूर रखिएगा इसके बारे में। और ऐसी वीडियोस अगर आपको और भी देखनी है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं। तो वेल फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।